स्टैंडर्ड सेकेंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू? आप हाउस में रहो, कीप वॉशिंग योर हैंड्स, स्टे एट होम, ठीक है, एंड बी सेफ। आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट। हमने अभी रीड किया था चैप्टर हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, है ना, तो उसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारी बुक में ये चैप्टर है, करेक्ट, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं हम आज। बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज द डे टुडे। टुडे इज 9th September। ओके, स्पेलिंग लर्न करते हैं हम सेप्टेम्बर की। SEP SEP TEM TEM BER सेप्टेम्बर, ठीक है। तो जो भी बिग बिग स्पेलिंग्स होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम उसको छोटा छोटा ब्रेक करके 3 letters या 4 letters में रीड कर सकते हैं, तो हमको ऐसे इजीली रीडिंग भी समझ आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब पेज नंबर 24 पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आज हम करेंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हिंट्स बॉक्स। यहाँ पे हमें बॉक्स में आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो हमको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द डेटा दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज, जो हम डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चलो यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। ये देखो, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा आंसर क्या है? इनपुट। और यहाँ पे है इनपुट, ये है इनपुट, सो वी विल राइट इट हियर, INPUT, इनपुट। सेकेंड, डैश इज द रिजल्ट गिवन बाय अ कंप्यूटर। तो क्या है जो रिजल्ट हमने जब इनपुट डाला, कंप्यूटर ने प्रोसेस की हमारी इंफॉर्मेशन, तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है? ये देखो यहाँ पे आउटपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो जब हमारा वर्क फिनिश होता है कंप्यूटर पे, तो वो क्या होता है? वो हमें कंप्यूटर देता है फाइनल रिजल्ट, विच इज कॉल्ड OUT OUT PUT PUT। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट फॉर अ मैंगो शेक इज, अगर हमको मैंगो शेक बनाना है, मैंगो फ्रूटी बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हमें क्या क्या इनपुट चाहिए? इनपुट मतलब क्या थिंग्स चाहिए? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर्स में क्या है? मिल्क, मैंगो, शुगर, तो ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मिल्क, मैंगो एंड वेरी गुड, शुगर। तो ये हमारा बन गया इनपुट फॉर मैंगो शेक। और उसका फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा? फाइनल रिजल्ट हमको मैंगो फ्रूटी मिल जाएगी जब हम इन सबको मिक्स करेंगे, प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, वी एंटर डैश इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम क्या एंटर करते हैं? लेट अस सी, व्हाट डू वी एंटर इनटू द कंप्यूटर? द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वी एंटर इनटू अ कंप्यूटर, जिसको हम इनपुट भी बोलते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, DATA, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, सारा चैप्टर में है, हमने रीड किया है सबने साथ में। ओके, नेक्स्ट, डेटा कैन बी डैश डैश वर्ड्स एंड डैश। डेटा क्या क्या होता है, किस किस चीज को हम डेटा बोलते हैं, ये तो हमारा स्टार्टिंग में ही लिखा है। We need to enter letters, numbers, pictures, and instructions into the computer to make it work. These are called data. तो ये आंसर में भी हमको यहाँ दिया हुआ है। Data can be letters, letters, numbers, very good, numbers, words and pictures. वेरी नाइस, तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश हो गया। ओके, नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स।
फर्स्ट डेटा टाइप्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट. जो हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं उसको आउटपुट बोलते हैं? नो, उसको हम बोलते हैं इनपुट. तो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, अ कंप्यूटर इज अ मशीन. यस, ट्रू. व्हेन अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा इट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. जब हमने एंटर किया कुछ भी फिनिश डाला, हमने इनपुट डाली, तो जब वो कंप्यूटर वर्क कर रहा है, वर्किंग ऑन द डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. तो जब कंप्यूटर वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, वर्क कर रहा है कि ये कैसे करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग. दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट, वी गेट इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर. तो जो फाइनल रिजल्ट मिलता है हमको कंप्यूटर से, वो इनपुट होता है. यस और नो? नो. तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. टेक द राइट आंसर. नंबर वन, अभी इनमें से हमको जो करेक्ट आंसर्स हैं उनको टिक करना है. विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डज ऑल द कैलकुलेशंस? स्पीकर, सीपीयू, माउस. वेरी गुड, ये तो हमको पता है, सीपीयू. व्हाट आर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टुगेदर नोन एज? जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस है उनको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट? नो. प्रोसेस? नो. इनपुट? यस. तो इनपुट इज आर करेक्ट आंसर. जो हम कीबोर्ड से, माउस से डेटा डालते हैं कंप्यूटर में, उसको बोलते हैं इनपुट. विच पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ सीपीयू? ब्रेन, माउथ, ईयर्स. वेरी गुड, ब्रेन. नाइस. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25. आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द थ्री स्टेप प्रोसेस ऑन विच अ कंप्यूटर वर्क्स. तो ये चैप्टर में हमने लर्न किया है कि क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, वो पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है. इनपुट, सेकेंड इज प्रोसेस, एंड थर्ड इज आउटपुट. तो ये क्या है? ये तीन स्टेप्स हैं जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है. विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डेटा टू गिव द आउटपुट? कौन सा वर्क पार्ट है कंप्यूटर का जो इंफॉर्मेशन को, जो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है? वेरी गुड, सीपीयू. सीपीयू, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. नेम द टर्म यूज्ड फॉर द फाइनल रिजल्ट दैट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग. जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उस मॉनिटर पे या प्रिंटर पे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आउटपुट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डिस्प्लेज द आउटपुट? डिस्प्ले मतलब दिखाना. तो कहाँ पे हमको आउटपुट दिखता है? हमको आउटपुट दिखता है ऑन द मॉनिटर एंड प्रिंटर. तो वी विल राइट मॉनिटर एंड प्रिंटर. वेरी गुड. लास्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट इज यूज टू एंटर डेटा इन टू अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम डेटा किससे एंटर करते हैं? किससे करते हैं? वेरी गुड, कीबोर्ड एंड वंडरफुल माउस. सो दीज आर टू इनपुट डिवाइसेस. ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में वर्क करो अच्छे से, नीटली. ये चैप्टर हमारा अभी फिनिश किया है हमने, क्लास में भी किया है. ठीक है, तो अच्छे से आप ये वर्क अपना करो और चैप्टर भी पढ़ो, वीडियो देखो. आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स भी अभी हमने सॉल्व कर लिए हैं, और ये वर्क फिनिश करके आप मेरे को सेंड करो. ओके, बाय.